हेलो जी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो एक चीज़ के लिए सॉरी, जो हमने आ रहा है इस मॉडल पेपर दो किया था उसमें जल्दबाजी में एक पर्सन हमने गलत कर दिया था। पर्सन ये था कि पृथ्वीराज ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ था, किसके द्वारा लिखा गया था। उस ग्रंथ की रचना की थी जयानक भट्ट जी ने, ठीक है, जयानक भट्ट जी ने इसकी रचना की थी। और मैंने गलती से आई थी चंद्रवरदाई बोल दिया था, चंद्रवरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी चंद्रप्रदाय ने, ठीक है। तो ये मिस्टेक अगर आपने दो नंबर वाला टेस्ट देखा है तो आपको याद होगा। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया था, लेकिन चलिए, मैंने कमेंट किए थे काफ़ी सारे बच्चों को जिन जिसने वो ध्यान दिया था, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज विजय है वो जयनक भट्ट जी ने रचना की थी। जयनक भट्ट जी का पृथ्वीराज विजय ही वो ग्रंथ है जिसमें आनासागर झील का वर्णन है। आनासागर झील आपको याद होगा अजमेर में है, 1137 में अर्णोराज जी ने बनवाई थी। इसी पुस्तक में वो लिखा हुआ है कि तुर्कों के खून को साफ करने के लिए आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज जी ने करवाया था। और पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, त्राइन की सेकेंड युद्ध के बाद की स्टोरी मिलती है इसमें कि किस प्रकार से गजनी में मृत्यु होती है पृथ्वीराज चौहान तीर्थ की, राइट। तो थोड़ा सा ये एरर था, एक बार देख लीजिएगा। और ये टेस्ट नंबर 3 है तो इसमें भी टॉप क्वेश्चन हम कवर करेंगे जैसे पहले हम करते थे। हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक की सुन लेंगे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है पहला आसान से के नाम से। तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लबावी जिले कौन से? इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी लिप्त नहरें हैं, उनमें से एक आती है चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर, उससे लाभान्वित होने वाले जिले आते हैं हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चुरू वाला जिला जो है, तो चुरू वो रेड कर दीजिए, चुरू वाला जिला जो है वो इससे लाभान्वित होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही है। भीलवाड़ा तो वैसे भी नहीं है, कट कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में है, तो 1 आपका सही है। दूसरा कि गले जोड़े की पहचान करनी है, एक साइड में आपको खनिज दे रखे हैं, दूसरा खनन क्षेत्र दे रखा है यानी खान है जहाँ से खनिज का उत्पादन किया जाता है। जो असुमेलित है, जो असंगत है, जो गलत है, जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। जिप्सम का उत्पादन जो है पलाना में होता है, तो पहला ही गलत हो गया, पलाना तो नहीं है। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध खाना कहें तो जामसर है, जामसर बीकानेर में है, इसके अलावा नागौर में इसका उत्पादन होता है, ठीक है, नागौर में सबसे ज़्यादा होता है जिप्सम का। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गोठ मांगलोद, एक जगह है जहाँ पर दधी माता का मंदिर भी बना हुआ है और वहाँ पर जिप्सम का उत्पादन भी होता है। गुलाबी संगमरमर निकलता है बाबरमल से, सही है, तांबड़ा राजमहल से निकलता है, राजमहल टोंक याद रखना, राजमहल का युद्ध भी हुआ था 1747 में। यूरेनियम है वो कुराड़िया से निकलता है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया, पहला जोड़ा आपका गलत है। राजस्थान में राजकीय प्रक्रियाएं जैसे ई फाइल है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, राजकीय आवास आवंटन है आदि की एकीकृत करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया था। जितनी भी राजकीय प्रक्रियाएं जो होती है उनके लिए कौन सा एक पोर्टल शुरू किया था, अभी किया था, करंट अफेयर का है, तो ये था राजकाज, ठीक है, कौन सा किया था, राजकाज किया था, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अच्छा, राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ पर होगी, ठीक है, बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, इसकी स्थापना राजधानी में होगी यानी जयपुर में, तो 1 आपका सही है। एक और ही बजट का क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर होगी, एक नया, ठीक है, पशुपालन विश्वविद्यालय जो बनेगा ये बनेगा जोबनेर में, ठीक है, जोबनेर में बनेगा, राइट आंसर आपका सी। अच्छा आप बताओ अभी जोबनेर वर्तमान में कहाँ पर है, जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है, दूदू में है, कमेंट कर देना। निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? राजस्थान में सबसे शैक्षगत क्रांति हुई थी कोटा में हुई थी, कोटा में उस समय शासन कर रहे थे राम सिंह जी, आपको याद होगा, ठीक है, राम सिंह जी शासन कर रहे थे, मेजर बटलर वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, तो इनकी हत्या तो हुई थी, ठीक है। किसने किसने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मेहराब खान जी, लाला जी ने किया था, तो एक तो मेजर बैटन की तो हत्या हुई हुई थी आपको याद है, दूसरे डॉक्टर सेल्डर जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी, ये दो मेन थे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दो ही है, क्योंकि मोरिसन तो भरतपुर में थे तो आगरा भाग गए थे, यहाँ का कोई कनेक्शन नहीं है। सावर्स आप जानते हैं वो भी यहाँ के नहीं, मेवाड़ के हैं, तो कौन, बी और सी, बी और सी ऑप्शन आपका 4 नंबर है कि कोटा में जो क्रांति हुई थी वहाँ पर मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी, मेजर बटन के दो बेटों की हत्या हुई थी और डॉक्टर सेल्डर की हत्या की गई थी, ठीक है। ओके, अकबर ने किसको शिष्यमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर ले?
अकबर ने चार शिष्टमंडल भेजे थे, आपको याद होगा। सबसे पहले वो जलाल खां को भेजते हैं, फिर वो मानसी को भेजते हैं, 3 नंबर पर भगवान दास गए थे, और सबसे लास्ट 4 नंबर पर टोडरमल गए थे। हमें क्या बताना है? अंतिम बताना है। तो अंतिम हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। ओके, उत्तरी सेंटिनल द्वीप जो है कहाँ पर है? ये RS में ही पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जो बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में 3 सही है। अच्छा, इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के आधार पर बताना है कि कौन कौन सा कथन है वो आपको सही लग रहा है। पहले कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही बात है क्या? ये अरावली है, इसके पश्चिमी मरुस्थल है हम जानते हैं, तो पूर्वी साइड में जाने से इसका मार्च होने से रोकता है। तो पहला कथन तो आपका सही हो गया। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, तो अरावली वाले क्षेत्र में खनिज मिलते हैं, खनिजों के मामले में धनी है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, राजस्थान वर्षा का वेतन प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि 50 सेमी वर्षा रेखा जो अरावली के समांतर होकर ही गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो प्रभावित करती है, तो ये तो गलत हो गया। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली प्रथमाला से होता है, ये भी सही है। राजस्थान की बहुत सारी नदियां हैं जो अरावली पहाड़ी से निकलती है, तो चौथा भी सही है। गलत एक सिर्फ सी है, तो ए बी और डी सही है। ए सही है, बी सी और डी सी, यानी 4 नंबर ऑप्शन का सही है। वर्ष 2024 का G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 23 के बाद कर रहा है, अभी चल ही रहा है, ब्राजील। 2024 में जो होगा उसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा, एक सही है। हाल ही में फरवरी 2023 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अभी इसको 25 दिन बढ़ा दिया गया है, यानी अभी 125 दिन रोजगार मिलता है, बी आपका सही है। हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पर हुआ था? एक तो ये कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ था, 14वां हुआ था, ये जांगल प्रदेश में, यानी बीकानेर में, सी सही है। जल जन अभियान को हाल ही में किस राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया? आप राजस्थान से हैं तो आप जानते हैं राजस्थान में हुआ था, राइट आंसर आपका सी है। ओके, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया था? दो चीजें, श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर, इसकी शुरुआत हाड़ोती में हुई थी, हाड़ोती में 12 में, राइट आंसर एक है। अच्छा, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के कौन से शहर में हुई है? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, इसकी राजधानी में, यानी जयपुर में, एक सही है। अच्छा, राजस्थान बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार असंगत जोड़े की पहचान करने के 23-24 में जो जो घोषणाएं हुई थी उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है तो कि फुटबॉल अकेडमी जो है ये बनेगी बांसवाड़ा में, सही है क्या? गलत है, तो बांसवाड़ा में फुटबॉल अकेडमी बनेगी, सही है। साइकिलिंग अकेडमी है वो बीकानेर में बनेगी, तो ये भी सही है। कुश्ती अकेडमी कोटा में बनेगी, नहीं, कुश्ती अकेडमी कोटा में नहीं है, भीलवाड़ा में घोषणा की गई है, तो ये भीलवाड़ा में है, तो 3 नंबर गलत होगा। एथलेटिक्स अकेडमी जो है ये कहाँ पर बनेगी? चूरू में बनेगी, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक और बास्केटबॉल क्या भी था, बास्केटबॉल की अगर आपसे पूछ ले तो 2 जिले, एक तो सीकर में बनेगी भाई और एक बाड़मेर में, सीकर में और बाड़मेर में बनेगी, याद रखना है। और कुश्ती वाले में भीलवाड़ा के अलावा कहीं तो एक राजगढ़ में भी है, चूरू में, 2 जगह कुश्ती वाली, तो वो भी याद रखना है, तो गलत है सी। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाता? ये योजना तो पहले से लागू है, पहले आपको याद होगा 15,000 युवाओं को इसका लाभ मिलता था, अभी 15,000 को बढ़ा दिया गया है, अभी टोटल जो लाभ मिलता है वो कितने बच्चों को मिलेगा? 30,000 बच्चों को अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखना कितना बढ़ाया गया है या कितना को लाभ होता है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, कौन सा भी पूछ ले। इनमें से कौन सा विद्वान कुंभा जी के दरबार में थे? राणा कुंभा के दरबार में कौन ही थे? भी तिल्लाभट जी थे, मुनि सुंदर सूरी जी थे, मुनि दिन विजय सूरी नहीं थे, नाथा जी भी थे, तो गलत हो गया आपका, 3 नंबर आपका गलत है। चलिए, इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्शी ख्याल का संबंध है, या अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो पूर्वी राजस्थान की है, अलवर वाले क्षेत्र की, सी सही है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किसे संबंधित? संकरिया नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, इडोनी नृत्य है, सर्प नृत्य है, ये कालबेलिया जाति के द्वारा होते हैं। इसमें बागड़िया नृत्य जरूर याद रखना, क्योंकि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते टाइम पर कौन सा नृत्य करती है? तो बागड़िया नृत्य करती है। तेरे ताली नृत्य आप जानते हैं, रामदेव जी के मेले में होता है।
ओके, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था, यानी राजा महाराजा जो हैं, राज के जो परिवार थे उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था का जो प्रावधान लेके आए थे सबसे पहले, या विचार जो किया था वो वोल्टर ने किया था, कैप्टन वोल्टर ने। राइट आंसर सी है। चलिए सूची एक और सूची दो को मिलान करना है। एक साइड में आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरा कि कौन से महाद्वीप में है वो दे रखा है, तो मिलान करना है जो कि आप लोग मिलान कर देंगे। क्वेश्चन को जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो पहला हो जाएगा 3 नंबर। मैकेले आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में फिर कर दिए। अल्ब्रूस सबको याद है, ये तो बहुत बार फिर है, यूरोप में है तो एक कर दो। और किली मंजरो भी आपको याद है अफ्रीका में है, तो दो कर दो। 3 4 1 2 3 4 1 2 करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा? अलग अलग किसान आंदोलन दे रखे हैं, कौन कौन सी रियासत में कहां पर जिनका नेतृत्व किसने किया था उनका जोड़ा है। देखो किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था, चित्तौड़गढ़ में ये हुआ था, मेवाड़ रियासत में, और बाद में विजय सिंह पथिक जी भी जुड़ गए थे। बूंदी किसान आंदोलन जिसको आप बर्ड किसान आंदोलन भी कहते हैं, नैनू राम शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था, सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक जी इससे जुड़े थे, पहले साधु सीताराम दास जी थे, सबसे लंबी अवधि तक चला था ये। नरोत्तम लाल जोशी बीकानेर से नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेखा क्या मतलब होता है? राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में पट्टारेखा क्या मतलब? पट्टारेख यानी आकलित राजस्व जो होता था उसे कहते थे, एक सही है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर? बहुत ही आसान है, झुंझुनू में, भी सही है। प्राचीन नगर जो महाभारत में और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, जिसकी जानकारी हमें महाभारत में भी मिलती है, महाभाष्य भी मिलती है, वो है मध्यमिका। मध्यमिका पहले कहते थे, अभी नगरी कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये पहले एक सीवी जनपद हुआ करता था मेवाड़ वाले क्षेत्र में, तो सीवी जनपद की राजधानी थी। ये थी भूल मचाना, नगरी एक अलग जगह है, नगर एक अलग है। करकोट नगर जो है इसे पहले नगर कहते थे, नगर टोंक में है, ये मालो जनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। करकोट नगर जो अभी नगर कहते हैं, ये मालो जनपद की राजधानी, नगर अलग है और नगरी अलग चीज है। चलिए अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, या वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी कहां पर मिलती है, या भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी कहां पर मिलती है, दोनों कह सकते हैं। गोसुंडी की अभिलेख में सबसे प्राचीन हमें वैष्णव संप्रदाय की या भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर मिलता है, तो हम कह देंगे चित्तौड़ में सबसे प्राचीन मंदिर मिला था। राजस्थान के निर्मित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन सा? देखो सिंपल भाषा में महामारू शैली में मंदिर, महामारू शैली का विकास गुर्जर प्रतिहार कालीन शासकों के टाइम पर हुआ था, तो इसे गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली भी कहते हैं, महामारू शैली भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से मंदिर बने हैं? पहला हो गया आड़ का जो वरा मंदिर बना है, आड़ का वरा मंदिर आलू रावत ने बनाया था, अल्लट रावत याद रखना, क्योंकि पुष्कर में भी वरा मंदिर है, अनुराजी ने बनाया था। दूसरा है आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर है, आबानेरी दोसा में। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में, वो भी इसी शैली का बना हुआ है तो याद रखना। राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर है, ओशिया का हरिहर मंदिर है। देखो यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हमारे पास ऑप्शन अगर होता 1 2 3 तो वो सही हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो चारों ही इसके आंसर सही माने थे, 1 2 3 4 सही माने थे। लेकिन हरिहर मंदिर के बारे में एक चीज बहुत बार आती है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है, तो ओसिया का हरिहर मंदिर है, ओसिया जोधपुर में है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, प्राचीन काल में इसको उपकेशपट्टनम कहते थे। तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, इसका आंसर यही माना था तो मैं इसका आंसर डी कर रहा हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का बना हुआ हरिहर मंदिर कहाँ पर है, ओसिया में है, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्वेश्चन को देख लेना, जब भी कोई नया क्वेश्चन आए तो क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर माना था वो बताता हूँ कि इसमें चारों ही जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है या मामारू शैली के मंदिर हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था या समर्थन नहीं करता था, तो वो था राजपूताना गजट। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो गणगौर कब आती है, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर आती है, और चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। सम्मिलित करना है, अलग अलग राजस्थान की संस्थाएं हैं और सामने आपको स्थापना वर्ष दे रखा है, तो कर देंगे मिलान, करिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, कौन सा नंबर ऑप्शन है? 4 में दे रखा है भी।
चार में 1919 में हुई थी, वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में 1920 में इसका कार्यालय अजमेर ट्रांसफर हो गया था। देश की 23वीं सभा जो बनी थी 1873 में बनी थी, कौन से तीन नंबर में है तो इसके आगे तीन कर दीजिए। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद 1927 में, तो दो हो जाएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में, आप जानते हैं नरेंद्र मंडल जो 1921 में बना था, पहले चांसलर इसके जो बने थे वो महाराजा गंगा सिंह जी बने थे, जो बीकानेर के शासक हैं। तो 4-3-2-1 पहले ऑप्शन सही हो गया। अमल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। अमल वर्षा जो होती है उसमें कौन सी चीजें हैं जो वर्षा को, जल को या हिम को जो प्रदूषित करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको तो नहीं होगा, मीथेन भी नहीं है। एक और दो देखिए, चार नंबर ऑप्शन में एक और दो आपका सही है। निम्न में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, कोई भी क्षेत्र की वहां की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, भूमंडलीय ताप हो सकता है, भूमंडलीय तपन, यानी एक नंबर आपका सही है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है, रामसर साइट, वेटरलैंड, नमभूमि। राजस्थान में दो है, एक है केवलादेव अभ्यारण और दूसरी है सांबर झील जो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो जनकपुरा और सरवाड़ दोनों से तांबड़ा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तांबड़ा राजमहल पढ़ गए थे ना, राजमहल जनकपुर टोंक में है, सरवाड़ अजमेर में है शायद, एक बार चेक कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन दोनों तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका सही है। चलिए अलग अलग वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, कौन से जिले में वो दे रखा है, तो मिलान करना है, कर देंगे। चलिए बताइए जोड़ बीड़ कहाँ पर है, कितना आसान है, सबको याद है कहाँ पर है, बीकानेर तो नहीं करोगे ना, बीकानेर ही करेंगे, तो पहले में आ जाएगा चार, तो पहले में कर दो चार। गुड़ा विष्णुई कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो फिर कर दो तीन। गोगेलाव जो है ये आप जानते हैं नागौर में है, तो दो कर दो, और बी से झुंझुनू में है तो एक कर दो, 4-3-2-1 करेंगे, तो पहला ऑप्शन बी आपका सही है। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, देखो एक राज्य का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, जैसे एक उच्च न्यायालय हो सकता है, दो राज्यों का भी एक हो सकता है संयुक्त रूप से, तो यहाँ पर बात है कि जो दो राज्यों का अगर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो उसके अध्यक्ष की अगर नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, बी सही है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो हरे फलों को जल्दी पकाना हो कृत्रिम रूप से तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं क्योंकि ये जो है एसिटिलीन उत्पन्न करता है, एक सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, सबको याद है, बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, NaSCO3, राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, फोटोवोल्टिक सेल का संबंध किससे है, फोटोवोल्टिक सेल का संबंध सौर ऊर्जा से, ये क्वेश्चन भी RS में पहले पूछा जा चुका है प्री में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप कॉमेंट करके बताओ ये भारत में कहाँ पर है, कॉमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो क्या कहलाता था, यानी फारसी में अनुवाद जो हुआ था महाभारत का वो किस नाम से हुआ था, रजमनामा के नाम से हुआ था, कहानियों का संग्रह, बी सही है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो 10.40%, 4-1 है, तो 10.4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक आपका सही है। थार, भारत के थार मरुस्थल का कितना हिस्सा राजस्थान में, टोटल मरुस्थल वाला हिस्सा जो है भारत का, क्योंकि राजस्थान के अलावा भी फैला हुआ है ना, राजस्थान में इसका लगभग 60% है, 2/3 राजस्थान में आता है, बी सही है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव से, बगदरी नागौर से हुआ था राजस्थान में, तो सबसे पहले राजस्थान में। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला शैली कौन सी है, जिसे हम पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं, पशुओं का चित्रांकन सबसे ज्यादा हुआ था बूंदी चित्र शैली में, तो राइट आंसर आपका एक है। चलिए आपको फिर से मिलान करना है, अलग अलग उद्यान दे रखे हैं और राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम दे रखे हैं। वन्य जीव विहार कहाँ पर है अभी, ठीक है, वन्य जीव विहार, ज़्यादा नाम होता ठीक होता लेकिन कहाँ पर है, तो जैसमंद, ठीक है, जैसमंद वन्य जीव विहार होना चाहिए था, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है,
जयसमंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है कर देते, उदयपुर कर देते तो हो जाता, अभी चेंज हो गया। चलिए इसको छोड़िए। केला देव कहाँ पर है, भरतपुर में, तो दो में तीन आएगा अभी। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है, ये जैसलमेर में, और जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में इसका विस्तार है, तो इसमें दो आ जाएगा। टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व है, तो ये कर दिए। तो लास्ट में तीन दो एक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है ये वाला, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है लेकिन चलिए आप समझ गए। राजस्थान में मावठ क्या है, शीतकालीन जो वर्षा होती है, सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, रबी के लिए फसल के लिए लाभदायक होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, राइट आंसर आपका एक है। अकलकष्ट जीवाश्म पार्क जो है वो किसका हिस्सा है, किसका भाग है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान का है। राष्ट्रीय मरुद्यान सबसे बड़ा है, 3162 वर्ग किलोमीटर में है। जैसलमेर में इसका एरिया आता है 1900 किलोमीटर और बाड़मेर में इसका है 1262 किलोमीटर। भाई बाड़मेर से बालोतर अलग हुआ है, उसका डाटा भी पूरा आया हुआ नहीं है कि अगर है तो कितना विस्तार है, तो उसका तनाव भी मत लीजिएगा। राइट आंसर आपका एक है। मिट्टी में खारापन और सारियता की समस्या का समाधान क्या है, खारी मिट्टी अगर हो जाती है, सारियता अगर बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिप्सम का यूज़ करके समाधान कर सकते हैं, खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां पर है, बिल्कुल आसान है, जोड़ बीड, ठीक है, बीकानेर में। तो सबसे पहले लाइक करो, बताओ कितने सही किए हैं, 20 का सही है, तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता देना कि क्या स्कोर है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्जाम नगरी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। कल से हम कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, मतलब कम से कम 70-80 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का, ठीक है। और एक चीज़ मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का एरर ना हो, मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में कमी लगती है आपको, जैसे कल वाले क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन हो गया था हमारा गड़बड़, पृथ्वीराज विजय चयनक भट्ट जी का और पृथ्वीराज राशो चंद्र बदाई का, तो आप कॉमेंट करके बता दिया करें, हम उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।